सो बॉयज आप यहाँ देख सकते हो अंकल ने मीटर जीरो ही नहीं किया, ऊपर से ही तेल डाल दिया। बॉयज थोड़ा पेट्रोल डला रहे ड्यूक। बॉयज यहाँ पर शीशा देख के मैं कैमरा ऑन कर ही रहा था एंड तब तक अंकल ने 57 के ऊपर ही डालना स्टार्ट कर दिया। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि 57 पहले से ही है एंड उसके ऊपर से तेल डाला जा रहा है मेरी गाड़ी में। मैंने इस चीज़ में ध्यान नहीं दिया वहाँ पर। पेट्रोल डला रहे ड्यूक में एंड उसके आगे सुबुदा को घर छोड़ के फिर हम भी घर निकलते हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। सो बॉयज़ यहाँ मैं बैग से पैसे निकाला था, मैंने पानी की बोतल में जेब में रखा था एंड 2 20 रुपए के नोट थे एंड 50 रुपए का नोट था एंड 1 10 रुपए का नोट था। सो बॉयज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 50 रुपए का नोट है, मैं एरो बना के दिखा दूंगा एंड 2 20 रुपए के नोट और 1 10 रुपए का नोट है। टोटल मैंने 100 रुपए दे दिया अंकल को एंड अंकल ने ऊपर से बस 50 रुपए का तेल डाला एंड 50 रुपए का पहले से किसी बंदे का डाल रखा था आगे स्कूटी में। और एक और चीज़ गाइज, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये फुल HD क्वालिटी में देखना तब आपको अच्छे से समझ आएगा। सो बॉयज़ जस्ट मैं अभी व्लॉग एडिट कर रहा था एंड आप देख सकते हैं लैपटॉप यहाँ रखा हुआ है, एडिटिंग कर रहा था एंड अभी हालत में मैं जाना भी बहुत गर्मी हो रही है एंड थोड़ी तबीयत भी ख़राब है मेरी, इसलिए ऐसी हालत हो रही है कि बाल बिखर रहे हैं वगैरह वगैरह। एंड तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब मैं पेट्रोल पम्प गया था ड्यूक में पेट्रोल भराने एंड वहाँ पर अंकल ने 0 मीटर किया ही नहीं, मैंने अभी गोप्रो में जस्ट चेक किया, उन्होंने 50 रुपये के ऊपर ही डाल दिया एंड मैंने 100 रुपये का डलाया था। मैंने उन्हें 2 20 के नोट और 1 10 का नोट एक 50 का नोट ऐसे बंडल में बना के ऐसे रख रखा था, मतलब पानी की बोतल की जगह में होता ना वहाँ रख रखा था, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे निकाल के ऐसे दे दिया अपने दोस्त को एंड दोस्त ने उस अंकल को दे दिया। तो दोस्त ने भी ध्यान नहीं दिया ना मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने गोप्रो में देखा। अगर आप लोग ये 1000p में क्वालिटी करके देखोगे ना, अभी जब मैं पेट्रोल भरा रहा था एकदम अपने फ़ोन का यूट्यूब का 1000p में करना, आपको साफ साफ मीटर में दिखाई देगा कि मैंने जस्ट जैसे ही कैमरा ऑन किया अंकल ने 50 रुपये के ऊपर ही डाल तेल फट वो डाला एंड ऊपर 50 रुपये के ऊपर 50 50 मतलब 100 होता है, तो उन्होंने 50 रुपये का तेल डाला एंड 100 रुपये ले लिए, तो मतलब हमारा काट दिया, मतलब बच्चा समझ के काट दिया यार, मतलब क्या बोलूँ। 100 रुपये का तेल लगता है, हम हमारे लोकल एरिया है, हम लोग गए थे मालेप्ता रहने के लिए एंड वो हमारे लोकल एरिया है, 10 किलोमीटर है एंड 10 किलोमीटर आना जाना, टोटल 20 किलोमीटर पड़ता है, तो ड्यूक 20 का ही माइलेज अराउंड देती है लगभग 20 22 का। तो मैंने 100 रुपये का तेल डलाने के सोचा था क्योंकि हम आना जाना कर सके, वो 100 रुपये में तेल में हो जाए। तो फिर क्या हुआ कि अंकल ने तो हमारा उल्लू बना दिया, स्कूटी वाला एक स्कूटी वाला बंदा आगे था, उस टाइम कैमरा ऑन नहीं था, उसने अपना 50 का तेल फट से डलवाया और वो 3 लौंडे तो आगे निकल गए स्कूटी से। उसके बाद जैसे ही मैंने अपना कैमरा ऑन किया तब तक अंकल ने डाल दिया एंड 50 का तेल डाला उन्होंने सीधा उसी 50 से स्टार्ट कर दिया मीटर को एंड 50 का तेल डाल दिया। और उसके बाद भयंकर मुझे लगा 100 का डाल दिया है एंड मैंने दोस्त को पकड़ाया 100 रुपये एंड उसने अंकल को दे दिए। तो ये आप ये चेक करो गोप्रो में स्कैन, वैसे तो ऐसा कुछ उम्मीद तो नहीं थी, वहाँ का लोकल अपना घर के पास ही पेट्रोल पंप है उससे करवाया था एंड ज़्यादातर वहीं से भरवाता हूँ, पर अंकल ने हमारा सीधिया बना दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा सावधान रहा करो, बहुत सारे आजकल हो रहे हैं, वैसे ही आप लोगों की कमाई के पैसे होते हैं ऐसे हवा में पैसे, मतलब 10 रुपये भी और 1 रुपये भी ना बहुत मायने रखते हैं हवा के, को अच्छे से नोटिस करो। देखो हम लोग उस टाइम तैयार के आ रहे थे एंड वापस आते समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही देहरादून में एंड बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, हेलमेट बहुत भारी है भयंकर, बाइक भी इतनी भारी है, पीछे पिलियन भी बैठा है, ऊपर से ड्यू की इतनी हीट मारती है, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन गर्मी। अभी देख सकते हो सकल के क्या 12 बज रहे हैं, गर्मी से घर में ही हूँ, जस्ट पंखा भी चल ही रहा है, अभी पंखा बंद किया मैंने व्लॉग बनाने के लिए इसलिए पंखा बंद किया, ऐसी हालत हो गई 1 मिनट में ही एंड, तो आप देख सकते हो कितनी गर्मी हो रही थी। तो मैंने उस चीज़ में उस टाइम ध्यान भी नहीं दिया, मैं बस कैमरा ऑन करने में ध्यान था, तब तक अंकल ने पेट्रोल पेट्रोल भर भी दिया, लेट तो हो ही रही थी, 2 बज गए थे सुबह के, 10 बजे के निकल रहे थे, तो बस घर से फ़ोन आ ही रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी किया। दोस्त को घर कॉलेज स्टूडेंट होते हैं ना उनके लिए पेट्रोल इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से 390 है ना तो अच्छे से वाट लगती है। आप कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना जब पेट्रोल नहीं भरा सकते तो 390 क्यों ली। अब जब व्लॉग कंटिन्यू करते जब हम घर से निकले थे और एंड मैंने आती बारी में पेट्रोल भराया था, जाती बारी में नहीं, तो देखो स्टार्टिंग से। सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, दिस इज योर DNA राइडर। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं मालदीव की तरफ एंड मैं आपको एक हिडन प्लेस दिखाऊंगा जहाँ पर हम लोग तैरते हैं या कुछ भी एंड आप लोगों को तो ज़्यादा जो लोकल लोग होंगे उन्हें तो पता ही होगा देहरादून के, तो मालदीव में एक जगह है एंड मम्मी गेट खुल रही है। सो बॉयज एंड गर्ल्स अभी का सीन ये है, अभी हमारे डोबाल चौक की तरफ एंड सुब्बू मुझे आगे मिलेगा तो हम आगे की तरफ चलते हैं। वाह लूसी वाह, क्या पावर है यार लूसीफर की हमारी एंड मत ज़्यादा गर्मी हो रही है देहरादून में। देखो देहरादून में इतनी गर्मी है ना व्लॉग बनाना डेली बहुत मुश्किल होता है, आधे से ज़्यादा लोग मुझे बोलते हैं कि शिकु भाई डेली व्लॉगिंग करा करो,
बट कैसे करे, इतनी गर्मी हो रही ना देहरादून में। एंड ये देखो, मैंने टैटू को बचाने के लिए हाथ में ये पहन रखा है, इस हाथ में पहना नहीं है, ये खेलने के काम आता था मेरे बचपन में, ताकि धूप में मेरे हाथ काले ना हो। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आ जा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पर अपने सुबुदा आ चुके हैं। ब्लॉग बना रहा हूँ, कैमरे मार रहा हूँ। आज पहली बार सुबुदा अपने ब्लॉग में आया है, नहीं तो आपको इंस्टाग्राम पे दिखता रहता है, आर्मी तो दिखता ही रहता हूँ ब्लॉग में। आज हम घूमने जा रहे हैं मालदीव की तरफ, एंड चलो चला जाएगा इस। सो भैया, सीन अभी का ये है, हम पहुँच चुके हैं महाराणा प्रताप, एंड खतरनाक जाम लगा हुआ। अब बस वाले भैया के चक्कर में हमारे अच्छे से लगे हुए एल ड्यू हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट, यहाँ से निकाल दिया जाए नहीं तो लग जाएगी हमारे अच्छे खासी। कार वाला बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहा, और ये कार वाला क्या कर रहा। अरे भैया, जब इतना आएगा तो सीधा निकल लो, है ना। जब इतना हमारी तरह आ चुके हो रॉन्ग साइड तो सीधा ही निकल लो, है ना भाई। सुबह जब हम इंटर कर रहे हैं माल देवता की तरफ, एंड महाराणा प्रताप से हम सीधा निकल जाते हैं। आप लोगों को होप्स और रास्ता समझ आ रहा होगा, लोकल एरिया तो समझ जाएगा, एंड जो बाहर के लोग देख रहे थे वो समझ जाएंगे, वो भी महाराणा प्रताप से ही सीधा जाना है। चलो फाड़ी जाए। कुछ समथिंग, आई डोंट नो, ये चुन्नी उड़ रही थी, मैं दिखाई नहीं दिया, पता नहीं घोपरों में दिखाई दिया होगा नहीं दिखाया होगा। सो भैया, सीन अभी का ये है, हम पहुंच चुके हैं माल देवता की तरफ, एंड आप उसे देख सकते हो गए। यहाँ से हमें राइट जाना है, आगे भी बहुत सारे आते जाओ, यहाँ से सीधा चल जाओगे ना PPCL, सल्फरपुर, बहुत सारी चीज़ें आएगी। हमें फिलहाल यहाँ माल देवता ये लोकल है, एंड ये पास है हमारे लिए, तो अभी के लिए हम यहीं जाएंगे। एंड यहाँ पर भी कुछ कम भीड़ नहीं होती है, बहुत भीड़ दिखेगी, मैं पहले ही बता दूं, अगर आप लोग यहाँ 1-2 बजे आओगे ना तो बहुत गंदी भीड़ लगेगी, एकदम आपको जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। इससे सबसे बेस्ट है 11 बजे या 9-10 बजे आ जाओ, अगर लौंडे हो तो, अगर थोड़े एज के हो तो घंटे 11 बजे तक आओ, क्योंकि लौंडे लोग तो जल्दी आ जाते हैं, एंड जो बड़े लोग होते हैं उनका काम धंधा भी होता है। इसलिए बोल रहा हूँ 1 बजे के बाद तो कदम मत दिख जाना, बहुत गंदी भीड़ लग जाएगी, और 1 बजे तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। सो बस यहाँ पर माल देवता आते हुए आपको एक छोटी सी दुकान मिल जाएगी, एंड आप लोग यहाँ से खाने पीने का ले सकते हो। हमने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल और दो नमकीन नमकीन ले लिए, थोड़ी बहुत चिप्स पैकेट, एंड यहाँ सुबुदा भी अपने, और अभी थोड़ा सा आगे जाना है 1-2 किलोमीटर, और उसके बाद आप लोगों को जगह दिखाऊंगा। ओ माँ, क्या हीट मार रही बे, टांग जल रही पैन कर, मेरे तो अच्छे से पैर जल रहे, पीछे से गाड़ी आ रही, फटाफट निकलते हैं, तो वो आगे ओवरटेक मारने नहीं देगा ट्रक, और फिर धूल धूल हो जाएगा इससे। चलो चलो चला जाए, ये चेक कर बॉयज, वहाँ नीचे जाना है, मैं लौंडे तैर रहे, चलो चला जाए, गाड़ी आ रही पीछे से। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आ चुके हैं हम तैरने की जगह में, एंड ये है हमारा मालदीव का प्यारा सा, आप लोग देख सकते हो सुबुदा तैर रहा है वहाँ पर अपना, एंड हम भी थोड़ा तैर बूर के आ गए हैं, बहुत प्यारी लोकेशन है, एंड आप इंजॉय कर सकते हो अपने ल्यूसी, और वहाँ खड़ी है ऑलवेज, आप लोगों को व्लॉग में दिखा दिया था मैंने। एंड एक सीन और बता दूँ, मेरा फ़ोन वहाँ पर डूब गया था, फिर फोन निकाल के मैंने वहाँ रखा था, अभी गाने वाने बज रहे, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक की बोतल रखी है, तो वो वहाँ तैर रहा है। सो मान लो वो पानी दिखा देता हूँ हल्का सा, पानी के अंदर गोप्रो तो नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास ऑल दो एक ही गोप्रो है, एंड मैं नहीं चाहता कि मेरा गोप्रो ख़राब हो, तो चलो चला जाए। पानी आप देख सकते हो कितना साफ़ पानी है, एंड सुबुदा वो रहा, और अपने भाई लोग यहाँ पर, पानी देखो गाइस कितना साफ पानी है। अरे नहीं, अरे नहीं, तुम और फेंक दे बेटा को, ओ नहीं भाई। भाई मुझे गोप्रो टेस्ट नहीं। कैसे हो ब्रो? डुबकी मार के दिखा, बैक क्लिप बुकलिप मार दो, फ्रंट क्लिप मार ले। सो बॉयज यहाँ पर सुबुदा बैक क्लिप है, फ्रंट क्लिप कूद के दिखाएगा हल्का सबको पानी कितना साफ है, एंड वहाँ जाके पानी ना गले गले तक है, इधर पत्थर के थोड़ा सा आगे ना। हाँ कूद। ओ भाई छिट्टे वुट्टे यहाँ तक आ गए पूरे सही। चलो तो अब आता है वो टाइम जब होता है हमारे साथ स्कैन, मैंने होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने पहले ही दिखा दिया था, तो दोबारा दिखाना कोई बनता नहीं है, वही है देखो वहाँ पर लिखा आई रहा है 57 के आगे अंकल डाली डे,
अब व्लॉग एंड करने का भी टाइम आ गया है, लूट लिया। बस इतना ही कहना चाहूँगा, इस चीज़ से सावधान रहो, फ्री के पैसे नहीं होते, आपकी कमाई के पैसे हैं। एंड तो आराम से ऐसे, मतलब लोगों को क्या ही बोलना। देखो मेरे दोस्त ने मुझको पकड़ा भी दिए पैसे, वाह चलो क्या सीन है, चलो चला जाए। अबे यार मैंने थ्रॉटल दिया गाइस एंड सीधा आंटी लोगों के मुंह पे गया। ऐसे वो देखा तूने? अरे भाई कहाँ देख रहे हो, ऊपर नीचे। तू बैठा है ना, मैं सोच रहा फेंचे उड़ गया। मैं इसको चेक कर रहा गाइस, ये है, इसने मेरे को पकड़ नहीं रखा, इसने कुछ पीछे का, इसने पीछे को पकड़ रखा, मुझे लगा उड़ गया। मैं ऐसे तो चेक कर रहा है नहीं पीछे क्या। सो गाइस सुबह की गाड़ी देख लेते हैं, यहाँ सर्विस के लिए दे रही है उसने अपनी गाड़ी, बाइक फर्स्ट, क्या नाम है, पैशन। जब यह व्लॉग देखेगा ना तो बोलेगा कि तुम्हें मेरी गाड़ी का नाम मुझे पता। अभी सुन भी नहीं रहा। इसका काम कराने के बाद घर ही मिलता है आपको डायरेक्ट।